सोचिए, आपको एक ऐसे रॉकेट में बैठाया जा रहा हो जिसमें 203 जानलेवा खराबियां पहले से मौजूद हैं। आपके दोस्तों ने वार्न किया है, इंजीनियरों ने प्रोटेस्ट किया है, लेकिन फिर भी लॉन्च कैंसिल नहीं होता। और सबसे डरावनी बात, आपको पहले से पता है कि अगर आप गए तो वापस लौट कर नहीं आने वाले। अब सोचिए, अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते? मिशन रिजेक्ट कर देते या फिर उसी रॉकेट में जाने के लिए हाँ बोल देते जो आपकी मौत की गारंटी दे रहा है? यही फैसला लेना पड़ा था व्लादिमीर कोमारोव को, एक इंसान जिसने अपनी जान देकर स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में एक दर्दनाक चैप्टर जोड़ दिया। वह पहला व्यक्ति था जिसकी मौत एक स्पेस मिशन के दौरान हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि कोमारोव ने मना क्यों नहीं किया? यूएसएसआर के वैज्ञानिक और कॉस्मोनॉट्स ने इसे सुसाइड मिशन तक कह दिया था, तो भी कोमारोव को जाने के लिए मजबूर क्यों किया गया? क्यों मिशन को कैंसिल नहीं किया गया? चलिए जानते हैं सोयूज 1 की पूरी कहानी इस वीडियो में। व्लादिमीर कोमारोव का जन्म 1927 में एक आम रशियन फैमिली में हुआ, लेकिन उन्होंने अपने डेडिकेशन और टैलेंट के दम पर सोवियत यूनियन के स्पेस प्रोग्राम में एक सिग्निफिकेंट रोल बनाया। 1964 में कोमारोव ने वॉस्खोद 1 मिशन को सक्सेसफुली लीड किया, जो दुनिया का पहला मल्टी क्रू स्पेस मिशन था। इस मिशन ने यूएसएसआर को स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक और कदम आगे बढ़ाया, लेकिन हर सफलता के पीछे कुछ न कुछ सैक्रिफाइस होता है। 1967 यूएसएसआर के लिए एक खास साल था, क्योंकि अक्टूबर रिवॉल्यूशन के 50 साल पूरे हो रहे थे। अक्टूबर रिवॉल्यूशन, जिसे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, 1917 में रशिया में एक ऐतिहासिक पॉलिटिकल इवेंट था। ये वह समय था जब बोल्शेविक पार्टी व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में त्सार की मोनार्की और टेम्पररी गवर्नमेंट को हटाकर एक कम्युनिस्ट रूल स्थापित किया। ये रिवॉल्यूशन मेनली रशिया की पब्लिक के बढ़ते हुए डिससैटिस्फैक्शन का रिजल्ट था, जो वर्ल्ड वॉर 1, इकोनॉमिक क्राइसिस और सोशल इनइक्वालिटी से परेशान थी। इस रिवॉल्यूशन ने सिर्फ रशिया में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की पॉलिटिक्स और सोसाइटी पर गहरा इम्पैक्ट डाला था। ये पहली बार था जब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एक कंट्री के गवर्नेंस सिस्टम में इम्प्लीमेंट हुई, जिससे बाद में सोवियत यूनियन यूएसएसआर की नींव रखी गई। अक्टूबर रिवॉल्यूशन के 50 साल पूरे होने पर उन्होंने दुनिया को एक और बड़ी अचीवमेंट दिखाने का सोचा। सोयुज प्रोग्राम इसलिए बनाया गया था कि फ्यूचर मून लैंडिंग के लिए स्पेसक्राफ्ट टेस्ट किया जा सके। सोयुज 1 इसलिए लॉन्च किया गया जिसमें व्लादिमीर कोमारोव को एक टेस्ट पायलट के रूप में भेजा गया। लेकिन मिशन के शुरुआत से ही दिक्कतें सामने आने लगी थीं। स्पेसक्राफ्ट में 203 से ज्यादा टेक्निकल इश्यूज डिटेक्ट किए गए, जिनमें सबसे मेजर इश्यूज पैराशूट डिप्लॉयमेंट सिस्टम और सोलर पैनल्स के साथ थे। इंजीनियर्स और कॉस्मोनॉट्स ने मिशन को कैंसिल करने की रिक्वेस्ट की। यूरी गागरिन, जो खुद इस मिशन के बैकअप कॉस्मोनॉट थे, ने इसे सुसाइड मिशन कहा, पर पॉलिटिकल प्रेशर और सोवियत लीडरशिप के ईगो के कारण मिशन को ग्रीन लाइट मिल गई। व्लादिमीर कोमारोव ने मिशन पर जाने से मना नहीं किया, क्योंकि सोवियत यूनियन में पॉलिटिकल दबाव और उनकी जिम्मेदारी ने उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया। वे जानते थे कि मिशन में गंभीर खतरे हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार किया और अपना कर्तव्य निभाया। 23 अप्रैल 1967 सोयुज 1 को लॉन्च किया गया। कोमारोव सक्सेसफुली ऑर्बिट में पहुंच गए, पर प्रॉब्लम्स तुरंत शुरू हो गईं। एक सोलर पैनल डिप्लॉय नहीं हो सका, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा था। कम्युनिकेशन सिस्टम्स फेल होने लगे और कोमारोव अपने प्रॉब्लम्स ग्राउंड कंट्रोल तक इफेक्टिवली नहीं पहुंचा पा रहे थे। चौबीस घंटे स्पेस में रहने के बाद 24 तारीख को स्पेसक्राफ्ट री एंट्री के लिए प्रिपेयर हुआ। री एंट्री के दौरान सब कुछ प्लांड लग रहा था, पर जब मेन पैराशूट डिप्लॉय करना था तब वो फेल हो गया। रिजर्व पैराशूट भी खुल नहीं सका। और सोयुज 1 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर ग्राउंड से टकरा गया। व्लादिमीर कोमारोव की तुरंत डेथ हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रैश साइट पर कोमारोव का बॉडी सिर्फ एक मोल्टन मास की तरह रिकवर किया गया। ये एक हॉरिफाइंग रिमाइंडर था कि स्पेस एक्सप्लोरेशन कितना डेंजरस हो सकता है।
सोयुज 1 ट्रेजेडी ने पूरे सोवियत यूनियन और दुनिया को हिलाकर रख दिया। यूएसएसआर ने व्लादिमीर कोमारोव के लिए एक ग्रैंड स्टेट फ्यूनरल ऑर्गेनाइज किया और उन्हें एक नेशनल हीरो का दर्जा दिया गया। पर उनकी डेथ ने सोवियत स्पेस प्रोग्राम के फ्लॉज को एक्सपोज किया और पॉलिटिकल प्रेशर के कारण होने वाले रिस्की डिसीजन को हाईलाइट किया। इस घटना के बाद यूएसएसआर और यूएसए दोनों ने अपने स्पेस मिशंस के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में बड़े रिफॉर्म्स किए। सोयुज प्रोग्राम के अंडर स्पेसक्राफ्ट डिजाइन और पैराशूट सिस्टम्स को पूरी तरह री इंजीनियर किया गया। यह बलिदान एक फाउंडेशन बना जो आज के एडवांस्ड स्पेस प्रोग्राम्स में सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करता है। ये कहानी सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि ये हमें याद दिलाती है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन का हर कदम किस हद तक रिस्क और बलिदान से भरा है। अगर आज हम अपोलो 11, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और स्पेस स्टेशन जैसे मिशन की सफलता देख रहे हैं, तो वह उन लोगों के बलिदान का नतीजा है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के पायनियर्स थे। यह एक लेसन है कि टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस के साथ सेफ्टी और ह्यूमन कॉस्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और स्पेस एक्सप्लोरेशन से जुड़े और भी दिलचस्प फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।